हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर स्लीव्स और नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। नेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बुकरम ली है, जिसकी लेंथ 13 इंचेस है और चौड़ाई 8.5 इंचेस है। इसे बीचों बीच इस तरह से मोड़ेंगे। ये हमारी बंद वाली साइड है। बंद वाली साइड से नेक की चौड़ाई लेंगे। नॉर्मल नेक की चौड़ाई हम 2.7 इंचेस रखेंगे। उसके बाद एक इंच का हम निशान लगाएंगे। कुल चौड़ाई जो हमारे नेक की है वो है 3.7 इंचेस यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से भी 3.7 इंचेस का निशान लगाएंगे। नेक की पहले हम इन दोनों निशानों को अच्छे से मिला लेंगे और नेक की लेंथ हम रखेंगे 7 इंचेस। यहाँ से भी निशान को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ नेक ड्रॉ करेंगे इस तरह से। 2 इंचेस पर मैंने इसे इसकी गोलाई की है, लेकिन हम इसकी हल्की सी और गोलाई करेंगे इस तरह से। अब जो इसकी गोलाई हुई है यहाँ से वो हुई है 1.7 इंचेस। उसके बाद बाहर वाली साइड से इस तरह से नेक को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस तरह से शेप बनाएंगे। ये मैंने हाफ इंच चौड़ी पट्टी रखी है और अब एक एक इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। सभी निशानों को अच्छे से मिलाते हुए नेक की शेप को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप देंगे। सबसे पहले बाहर वाली साइड से नेक को काटेंगे। उसके बाद यहाँ से और फिर यहाँ से भी नेक को अच्छे से काटेंगे। ये हमारा नेक कट गया है। हम इस तरह से इन्हें मिलाते हुए अपना नेक डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से बीचों बीच पाइपिंग निकालेंगे। इसके लिए बिल्कुल हल्की हल्की बुकरम को काटेंगे। उसके बाद नेक को कपड़े के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो कि 7.5 इंचेस है, और नेक को निशानों पे अच्छे से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। मैं यहाँ पे रफली सिलाई लगा रही हूँ मोटा टाका करके। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। अब बाहर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे। उसके बाद यहाँ पे कट लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से मोड़ते हुए स्टिच करेंगे। उसके बाद नेक को बीचों बीच इस तरह से मोड़ेंगे और एक कट लगाएंगे। मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है और बीचों बीच निशान लगा लिया है। निशान को कट के बीचों बीच रखते हुए नेक को स्टिच करेंगे।
जो मैं ये सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल बुकरम के पास लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमें ये सिलाई नहीं लगानी है और नेक को बिल्कुल निशान के ऊपर बीचों बीच अच्छे से मिला के स्टिच करेंगे। उसके बाद अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अच्छे से काटेंगे, यहाँ कट लगाएंगे। ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आराम से हम इसे काटेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब नेक को हम सीधी तरफ इस तरह से पलटेंगे और बिल्कुल किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम पाइपिंग निकालेंगे, इसलिए साइड में हम थोड़ा सा ये ऑरेंज जो कपड़ा है इसे इस तरीके से बाहर वाली साइड रखेंगे और बिल्कुल आसानी से पाइपिंग निकालेंगे। उसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया है, इसे इस तरह से मोड़ेंगे और नेक का जो डिज़ाइन हमने कट किया हुआ है उसे इस तरह से रखेंगे। ध्यान रखना है इन्हें इस तरह से रखना है, इस तरह से नहीं रखना है, इनके फेस किस तरफ होने चाहिए ये हमें ध्यान रखना है। और इस तरह से कपड़े पे रखते हुए सिलाई लगानी है, सिलाई बिल्कुल बुकरम को हल्का हल्का दबाते हुए लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे, इस तरफ सिलाई नहीं लगानी है। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे जिस तरफ हमने सिलाई लगाई है, इसे भी इसी तरीके से तैयार करेंगे यानी स्टिच करेंगे। उसके बाद इन्हें इस तरह से सीधा करेंगे। और बिल्कुल किनारी पर अच्छी फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। इसे भी इसी तरीके से सीधा करेंगे और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद पोटली बनाएंगे, इस तरह से थर्माकोल बॉल को इस तरह से कपड़े में रखेंगे और धागा इस तरीके से लपेटेंगे। इस तरीके से हमारी पोटली बन जाएगी। उसके बाद मैंने पतली डोरी बनाई है, उसे इस तरह से रखेंगे और इस पर धागा लपेटेंगे। मैंने पहले भी पोटली बनानी सिखाई हुई है इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी सिखा रही हूँ पोटली बनाना। ये हमारी पोटली रेडी हो गई है। उसके बाद हम इस तरह से नेक को स्टिच करेंगे। नीचे हमारी जो बुकरम है बिल्कुल इस पे ही हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल यहाँ पे। अब बिल्कुल निशान पे नेक को रखते हुए बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगा के इसे स्टिच करेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से डिज़ाइन को स्टिच करेंगे।
उसके बाद मैंने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 2 इंचेस है और इसे इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से नेक के नीचे रखते हुए स्टिच करेंगे। पहले हम एक तरफ से पट्टी को स्टिच करेंगे। और दूसरी तरफ हम पोटली लगाएंगे जो कि हमने अभी रेडी की थी। इसी तरीके से नेक पे पोटली लगा लेंगे। ऊपर तक हम पोटली लगाएंगे। हमारा नेक तैयार हो गया है। जो मोटा टाका करके हमने सिलाई लगाई थी उसे निकाल देंगे और अब हम बनाते हैं अपना स्लीव्स डिज़ाइन। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जिसकी ये 10 इंचेस लंबा है और इसकी चौड़ाई स्लीव्स की मोहरी के हिसाब से रखी है। उसके बाद हम बीचों बीच इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब जहाँ तक हम डिज़ाइन बनाएंगे उतना लंबा निशान लगाएंगे, यानी कि 5 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। निशान को बीचों बीच रखते हुए निशान के दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से अच्छे से काटेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़ा काटेंगे। और इसे सीधी तरफ इस तरह से पलटेंगे। नोक को अच्छे से सीधा करेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और इसे अच्छे से स्टिच करेंगे। यहाँ से पट्टी को अच्छे से मोड़ते हुए नोक बनाएंगे। पूरी पट्टी को इसी तरह से मोड़ते हुए स्टिच करेंगे। अब मैंने ये पट्टी ली है, सीधी पट्टी। इसकी लंबाई 4 इंचेस है और चौड़ाई मोहरी की के हिसाब से रखी है। इसे इस तरह से मोड़ेंगे और बीचों बीच निशान लगाएंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे और जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और इनके बीच जो मैंने गैप रखा है वो 1 इंचेस है। अब अंदर एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसे अच्छे से सीधा करेंगे। यहाँ पे हम इसे स्टिच करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये पट्टी ली है, सीधी पट्टी। उस पर इस तरह से स्लीव को रखेंगे और एक तरफ सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ पोटली लगाएंगे जैसे हमने नेक पे लगाई थी।
और नीचे तक इसी तरीके से पोटली लगा लेंगे। पोटली लगाने के बाद हम पट्टी को स्टिच करेंगे। कट को बिल्कुल बीचों बीच रखना है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए पट्टी को स्लीव के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद हमारा स्लीव डिज़ाइन भी बनके तैयार हो गया है। उसके बाद हमारा डिज़ाइन पूरा रेडी होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।